हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र तोमर उर्फ पिंकी चौधरी ने सोमवार देर रात एक वीडियो वायरल कर दिल्ली के जेएनयू में जिस तरीके से छात्रों पर हमला हुआ, शिक्षकों पर हमला हुआ, उसकी जिम्मेदारी ली। वीडियो वायरल होने के बाद हर कोई पिंकी चौधरी के बारे में जानने को उत्सुक है कि आखिर ये पिंकी चौधरी है कौन। जेएनयू हिंसा मामले में नया खुलासा। पुलिस जांच के बीच हिंदू रक्षा दल का वीडियो आया सामने। हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी का वीडियो वायरल। पिंकी चौधरी का विवादों से रहा है पुराना नाता। पिंकी चौधरी पर कई धाराओं में है केस दर्ज। जेएनयू हिंसा मामले में एक वीडियो जारी कर मामले को नया मोड़ दिया गया है। हमारे देश में ऐसी गतिविधियां हिंदू रक्षा दल बर्दाश्त नहीं करेगा। देश विरोधी गतिविधियां अगर हमारे यहाँ कोई करेगा तो उसे इसी तरीके का जवाब दिया जाएगा और इसकी सारी जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। हमारे धर्म के खिलाफ इतना गलत बोलना और किस तरीके का इन लोगों का जो है व्यवहार है, कई वर्षों से जेएनयू कम्युनिस्टों का अड्डा है और ऐसे अड्डे हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। आखिर कौन है पिंकी चौधरी? हिंसा की जिम्मेदारी लेने वाले पिंकी चौधरी का नाम भूपेंद्र तोमर है। वो हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और शालीमार गार्डन के रहने वाले हैं। 8 जनवरी 2014 में आम आदमी पार्टी के गाजियाबाद कार्यालय पर हमला हुआ था। आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर हमले के आरोप में भूपेंद्र तोमर उर्फ पिंकी चौधरी समेत 12 लोगों को जेल हुई थी। पिंकी चौधरी को गाजियाबाद के साहिबाबाद से गिरफ्तार किया गया था। पिंकी चौधरी पर पहले भी इसी तरह के 3 केस दर्ज हैं। चौधरी पर 147, 148 और 149 की धाराओं में कार्रवाई की गई थी। इसके अलावा पिंकी चौधरी पर आप कार्यालय में महिलाओं से अभद्र व्यवहार की शिकायत पर भी धारा 354 लगाई गई थी। जुलाई 2013 में पिंकी चौधरी उर्फ भूपेंद्र के खिलाफ साहिबाबाद थाने में बिना अनुमति बाइक रैली और यात्रा निकालने, धारा 144 का उल्लंघन करने, शांति व्यवस्था भंग करने, सांप्रदायिक स्वार्थ बिगाड़ने और सड़क जाम करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। साथ ही पिंकी चौधरी पर मारपीट के आरोप भी लगे और मुकदमे दर्ज हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।